नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन द बॉटम ऑफ अ वेसल विद मरकरी देर इज अ राउंड होल ऑफ डायमीटर 70 माइक्रोमीटर। तो एक हम लोग वेसल बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें मरकरी फिल्ड है, ठीक है, तो और इसके बॉटम पे कह रहा है कि एक होल है, राउंड होल है। तो सपोज हमने यहाँ पे एक राउंड होल ले लिया है, ये एक राउंड होल हो गया, ठीक। क्या होगा कि अगर मरकरी इसमें फिल्ड है और मरकरी इस राउंड होल से बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलने के पहले जो मरकरी का शेप बनेगा, वो बाहर निकलने से पहले थोड़ा बल्ज आउट होगी। बल्ज आउट का मतलब ये हुआ कि वो इस तरह से शेप बनाएगी, ठीक है। तो देखो अब ऐसे समझो कि जब ये शेप बन रहा होगा, तो ये वाला शेप एक ड्रॉप का शेप लेगा, ठीक है। और अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई वो जो ड्रॉप बन रही है उसका मिनिमम रेडियस कब होगा, तो देखो जब निकलना शुरू होगा तो पहले रेडियस ज्यादा होगा, पहले इस तरह से कर्वेचर होगा, फिर थोड़ा कर्वेचर और बढ़ेगा, तो मिनिमम रेडियस उसका तब बनेगा जब ये एग्जैक्टली हाफ ड्रॉप बनेगी। क्योंकि हाफ ड्रॉप के केस में ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस के बराबर बनेगा। तो हम उसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि जब ये हाफ ड्रॉप बना रहा है, ठीक है, और हाफ ड्रॉप के केस में उसके अंदर का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस हम लोगों ने मिनिमम ली हुई है, और ऐसा होने तक ये मरकरी बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है ना। तो ये अगर हम यहाँ पे बोल दें कि ये एच हाइट तक इसमें मरकरी फिल्ड है इस वेसल में, तो इसके बॉटम पे यानी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट से पॉइंट ए पे, वेसल के हाइट की वजह से, लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर ए पॉइंट पे, और इस ड्रॉप के, तो ये जो रेडियस ऑफ ड्रॉप है, रेडियस ऑफ ड्रॉप जो है वो जो होल है उसके डायमीटर बाई टू के इक्वल बनेगा, और हाइट के हिसाब से जो प्रेशर होना चाहिए वो हो जाएगा रो जी एच। तो रो जी एच इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2s/r के इक्वल, तो ये आ जाएगा रो जी एच इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4s/d के इक्वल। तो हमें यहाँ से h निकालना है, तो ये h ऑटोमेटिकली h मैक्स होगा, मतलब इससे ज्यादा हाइट अगर हम फिल करेंगे मरकरी की, तो फिर मरकरी उस होल से बाहर निकलने लगेगा इस पोजीशन तक वो होल्ड रख के था। तो अगर हम ये h मैक्स कैलकुलेट करें यहाँ से, आएगा 4 × s, s हमको ऑलरेडी गिवन है 490 mN, डिवाइडेड बाई डायमीटर, डायमीटर इज 70 माइक्रोमीटर, एंड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 × 10³, एंड डिवाइडेड बाई ग्रेविटी। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है, अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जी का वैल्यू अगर आप इसमें 9.8 लेके चलोगे, तो ये 21 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। वैल्यूज हमने सारी रख दी हैं, डेंसिटी ऑफ मरकरी हो गया इस केस में, डेंसिटी ऑफ मरकरी की वैल्यू पुट की है 13.6 × 10³ kg/m³। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक और टेक्निक लगा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो है क्या, ये जो ड्रॉप है ये ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इस ड्रॉप पे क्या हो रहा है कि ये ड्रॉप सरफेस टेंशन की वजह से इस पे ऊपर की तरफ एक पुलिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये पुलिंग फोर्स जो है, एक तरह से बोल सकते हैं यहां से लेके यहां तक के लिक्विड का वेट बैलेंस कर लेगा। देखो ध्यान से, मतलब कहने का ये है कि इतना जो लिक्विड का वेट है वो बैलेंस कैसे हो रहा है, तो बैलेंस हो रहा है ये जो इसके चारों तरफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आ रहा है। तो अगर आप बैलेंस करके भी करोगे तो भी हमारा यही रिजल्ट पे पहुंचोगे आप।